एक बार फिर से बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने शैवाल के एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने बताया था कि वही जो एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी पाई जाती हैं, सेलाइन वाटर हैबिटेट में भी पाई जाती हैं और मैराइन वाटर हैबिटेट में भी पाई जाती हैं, और अपन ने इनके एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट हैबिटेट है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि स्थलीय आवास या मृदीय आवास। स्थलीय आवास के बारे में अपन ये पढ़ते हैं कि शैवाल की वे जातियां जो मिट्टी, चट्टानों, लकड़ियों आदि पर पाई जाती हैं वो स्थलीय होती हैं। इस स्थलीय आवास या टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, यानी कि जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट होता है वो टू टाइप्स का हैबिटेट होता है। एक तो होता है सेफोफाइट्स और दूसरा है क्रिप्टोफाइट्स। सेफोफाइट्स का मतलब होता है ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल सरफेस, यानी कि जो नमीयुक्त मिट्टी होती है उसकी सरफेस पर वृद्धि करने वाले शैवाल, जिसके एग्जाम्पल हैं फिस्चेलिया, वाउचेरिया, बॉट्रिडियम। ये जो नमीयुक्त सॉइल होती है उनकी सतह पर वृद्धि करते हैं। दूसरे टाइप का जो हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स हैबिटेट्स के अंदर जो शैवाल हैं वो सॉइल की सरफेस के नीचे ग्रोथ करते हैं। इट मीन्स ये है जो शैवाल भूमिगत होते हैं। तो अपन अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो साइनोफाइसी के कुछ मेंबर और क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर हैं जो क्रिप्टोफाइट्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे साइनोफाइसी, जिसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टोक है, एनाबिना है, और क्लोरोफाइसी मेंबर का जो क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है क्लोरेला, वो भी क्रिप्टोफाइट्स हैबिटेट्स के रूप में पाया जाता है। अब अपन थर्ड टाइप के हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है असाधारण प्राकृतिक आवास वाला हैबिटेट। अभी हमने जो दो आवासों के बारे में स्टडी की थी, एक तो था एक्वाटिक हैबिटेट और दूसरा था टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। इसके अलावा भी शैवाल हैं जो कुछ कुछ शैवाल हैं जो असामान्य प्राकृतिक आवासों में भी उगती हैं। तो हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि असामान्य प्राकृतिक आवास वाले शैवाल कौन कौन से हैं। तो नंबर एक होता है लवणोद्भिद शैवाल। लवणोद्भिद नाम से ही पता चल रहा है, लवण में उत्पन्न होने वाले, उनको बोलते हैं अपन लवणोद्भिद एल्गी या हेलोफाइटिक एल्गी। इसका एग्जाम्पल अपन बात करें तो डुनेलिलेला, स्टेफनोप्टेरा और क्लेमाइडो मोनास, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरे टाइप की जो एल्गी हैं वो है एपिफाइटिक एल्गी। एपिफाइटिक यानी कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, एपी का मतलब अपर, फाइटिक का मतलब होता है प्लांट, यानी कि पादपों के ऊपर पाई जाने वाली एल्गी। यानी कि इस प्रकार की एल्गी हैं जो असामान्य आवास के रूप में कहाँ पाई जाती हैं, पादपों के ऊपर। तो अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इडोगोनियम है, जिग्नेमा है, किटोफोरा है, ये पादपों के ऊपर पाई जाती हैं या पादपों के ऊपर उगती हैं। तीसरे प्रकार का असामान्य आवास है एपिजोइक एल्गी। एपी का मतलब होता है ऊपर, जोई का मतलब होता है एनिमल, यानी कि जंतुओं के शरीर के ऊपर पाए जाने वाली एल्गी। जनरली इस प्रकार की एल्गी है जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले फिश, स्नेल और मोलस्कन जो एनिमल्स होते हैं, मोलस्का, उनके शरीर पर ये पाई जाती हैं। अगर अपन इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल है केरासियोप्सिस और केरेसियम, ये इस प्रकार की एल्गी हैं जो एपिजोइक टाइप की एल्गी होती हैं। तीसरे टाइप की जो
हैबिटेट है वो है एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी का नाम से क्या मतलब निकल रहा है, एंडो का मतलब अंदर, जोइक का मतलब होता है एनिमल, यानी कि इस प्रकार की एल्गी हैं जो एनिमल टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं। और इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जू क्लोरेला है जो हाइड्राविडिस एनिमल के टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड है। ब्लू ग्रीन एल्गी की अनेक जातियां हैं जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनके रेस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे टाइप नेक्स्ट टाइप के हैबिटेट की, तो उसका नाम है पैरासाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक एल्गी का मतलब होता है कुछ एल्गी हैं या कुछ शैवाल हैं जो प्लांट्स के ऊपर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। तो अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो सेफेल्यूरोस विर्सेंस जो लीफ और कॉफी के प्लांट पर पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोन या फेस्टिगिएटा जो एक रेड एल्गी है। ये एस्कोफाइलम नोडोसम के ऊपर सेमी पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल है वो है फाइलोसाइफोन जो एक ग्रीन एल्गी है जो एरिसेरम वल्गर नामक प्लांट के लीव्स के ऊपर पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का असामान्य आवास है जिसका नाम है क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायोफाइटिक एल्गी का मतलब होता है हिमोद्भिद शैवाल, यानी कि हिम के अंदर यानी कि बर्फ के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल। इस प्रकार के जो शैवाल्स होते हैं जो बर्फ के पहाड़ होते हैं या पर्वत होते हैं उनको अलग अलग कलर देते हैं, जैसे हिमेटोकॉकस निवेलिस जो एल्पाइन और आर्कटिक पर्वत हैं उनको रेड कलर प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा यूरोपीय देशों के अंदर एक पर्वत हैं जिनके ऊपर पाई जाने वाली एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस जो एक ग्रीन एल्गी है और वहां पर ये हरित बर्फ को दर्शाती है, यानी कि ग्रीन स्नो शो करती है। इसका मतलब होता है जो बर्फ होती है उनका कलर है जो ग्रीन दिखता है। अब जो नेक्स्ट टाइप का हैबिटेट है जिसको बोलते हैं अपन लिथोफाइटिक एल्गी। लिथोफाइटिक में अपन नाम से पता लगा सकते हैं लिथो का मतलब होती है रॉक्स, ठीक है। तो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं शैलोद्भिद शैवाल। शैलोद्भिद यानी कि शैल यानी कि चट्टानों पर उगने वाली सेल्स को अपन एल्गी को अपन बोलते हैं शैलोद्भिद एल्गी या शैलोद्भिद शैवाल। जनरली ये इस प्रकार की जो शैवाल्स हैं जो मॉइस्ट यानी कि नमीयुक्त रॉक्स होती हैं चट्टानें होती हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं। इनके जो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके नॉस्टॉक हैं, रिवुलेरिया हैं, ग्लोइकाप्सा हैं, ये लिथोफाइटिक एल्गी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हैबिटेट है वो है थर्मोफाइटस। थर्मोफाइटस जिनको अपन तापीय शैवाल यानी कि इस प्रकार के शैवाल है जो उच्च तापमान वाले जगहों पर पाई जाती हैं, यानी कि उष्ण स्रोत या उष्ण झरनों में पाई जाती हैं, हॉट स्प्रिंग के अंदर ये पाई जाती हैं। और वहां का जो टेम्परेचर होता है वो 50 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ओसिलेटोरिया ब्रेविस है, हैप्लोसाइफोन लिग्नोसम है और हेट्रोहार्मोगोनियम है जो इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके एल्गी का जो हैबिटेट यानी कि हैबिट एंड हैबिटेट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके दूसरे कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे।